नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया जब एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंडस्ट्री में हो रही गंदी राजनीति और अपने बॉलीवुड को छोड़ने की पीछे की असली वजह का खुलासा किया। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस ने ये कहा था कि उन्हें एक कोने में ढकेला जा रहा था। इसके बाद वे इंडस्ट्री में मची सनसनी के बीच अपना दर्द भी बयां किया और अब इसी कड़ी में प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट करते हुए एक्ट्रेस विवेक ओबेरॉय ने भी प्रियंका के समर्थन में वो सामने आए और उन्होंने भी अपना दर्द शेयर किया। विवेक ने इंडस्ट्री के काले चिट्ठे खोलते हुए अपने बुरे दौर के बारे में बात की। वहीं उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कुछ हुआ था। दरअसल बिना नाम लिए विवेक ने सलमान खान के खिलाफ इशारा किया। विवेक के साथ बॉलीवुड में राजनीति तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 2003 में सलमान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सलमान उन्हें धमकी देते हैं। कथित तौर पर ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे जो इससे पहले सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी। अपने बुरे दौर को याद करते हुए विवेक ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा, मुझे खुशी है मैं इससे बाहर आ गया। मैं एक तरह की अग्नि परीक्षा के माध्यम से इन चीजों से ऊपर आया हूं और बच गया हूं, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। विवेक ने प्रियंका के स्टेटमेंट का समर्थन करते हुए कहा, आखिरकार मैं बहुत सी चीजों से गुजरा हूं जो जरूरी नहीं है। बहुत सारी लॉबी, बहुत सारे दमदार कहानियां, प्रियंका भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। हालांकि इंडस्ट्री को लेकर लगातार यहां पर अलग अलग यहां पर रिएक्शंस आ रही है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने भी प्रियंका चोपड़ा के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। वहीं हर कोई इस पूरे केस में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी अपनी राय रखता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन बीते 14 जून साल 2020 को हुआ था और उस दौरान भी देखने को मिला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई ऐसी सच्चाइयां सामने आई थी जो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। हालांकि एक्टर को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।